हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं जन्म जय कुमार शर्मा, हैशटैग जे जे, और आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल जे जे एंटरटेन। तो दोस्तों, आपको ऐसा ज़रूर लग रहा होगा कि ये बंदा तो अपने चैनल पे डांस की वीडियोस डाला करता था, तो ये अब ऐसे बैठ करके लैपटॉप सामने रख के क्या कर रहा है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करते हुए मैं आपको बता दूं कि अब मैं अपने चैनल पे डांस वीडियोस के साथ साथ रिएक्शन वीडियोस और ब्लॉगिंग के वीडियोस भी डालूंगा। जी हाँ, तो अब एंटरटेनमेंट होने वाला है सीधा डबल। जी हाँ, तो अब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल पे हमारे कंटिन्यू विजिट करते रहे, बिकॉज अब मैं एक्टिव हो चुका हूँ। जी हाँ, पिछले एक साल से मेरे चैनल पे मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा था, बिकॉज मैं बैचलर्स के पढ़ाई कर रहा था, उसमें ध्यान दिए हुए था। बट अब मैंने अपने बैचलर्स की पढ़ाई पूरी कर ली है, सो अब मैं फिर से एक्टिव हो चुका हूँ। सो वीडियोस कंटिन्यू आएंगी, सो गेट रेडी मेरे एक नए जर्नी पे साथ चलने के लिए। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए अब सीधे आते हैं मुद्दे पे, और आज का मुद्दा ये है कि मैं रिएक्ट करने वाला हूँ एक फ़िल्म के ट्रेलर पे। तो ये फ़िल्म है डार्लिंग्स, जो कि आलिया भट्ट, शेफाली शाह, विजय वर्मा, रोशन मैथ्यू स्टारर मूवी है, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ होने वाली है। तो देर किस बात की, रिएक्शन शुरू करते हैं। मेरा नाम है हमजा शेख, मैं बदरुन्निसा शेख का शौहर हूँ। रेड चिली एंटरटेनमेंट। मैं आपकी बीवी से बेहद मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं उसे छोड़ के जा रहा हूँ। हे डार्लिंग्स, आलिया भट्ट, यू मेड यू, आई लव यू, प्लीज प्लीज। बाप रे बाप। नमन काका, हमजा नहीं आए? नहीं साहब, मिसिंग कंप्लेंट फाइल करनी है। कौन मिसिंग है? मेरे हस्बैंड हमजा। कभी से गायब हो? परसों। कल से या दोनों अलग अलग डेट? कल और परसों के बीच में से साहब। ना, दो दिन पहले काम पे गया। कभी कभार ठीक है सर, लेकिन ये रोज तो मत करवाओ, टीसी है। लेकिन वापस ही नहीं आया। काम पर गया, घर पे वापस नहीं आया। क्या बोलते दादू? केस क्लोज है सर, कंफर्म। कॉमेडी। क्या कर रही हो ये सब? ए बच्ची, हाथ खोल सालीन तो जान से जाएगी। किधर जा रहे ली? अरे आगे कुआं पीछे खाई, किस्मत ने वाट लगाई। दारू छुड़वाने की दवा बोली थी ना, चूहे मारने की दवा खाने में डाल दे, जिंदगी भर दारू नहीं पिएगा। करूं हलाल बिछा के जाल, बचेगा कैसे मेरे लाल? मेरे को हमजा को मारने का नहीं है, इनके साथ वही करूंगी डिट्टो जो ये मेरे साथ किए। फील्डिंग बहुत हो गई अम्मी, अब बैटिंग चालू। औरतों का अपमान। कब तक छुपा पाएंगे हमजा को? पकड़े जाएंगे सर। हमजा के डैडी ऑफ हो गए। अल्लाह मियां उन्हें जन्नत अता फरमाए। Darlings. अगर तूने हमजा को किडनैप किया है ना, तो साहब को सच बता दे। बाप रे खालम, मैंने क्या? आप दोनों जल्दी। ओके, सो ये थी ट्रेलर। टीजर से बिल्कुल डिफरेंट है ट्रेलर, और जैसा कि हमने देखा था टीजर में, कि टीजर में दिखाया गया था, एक स्टोरी बताई गई थी मेंढक और बिच्छू की। बट यहाँ पे लाइक मुझे जहाँ तक लगा था देख करके, थोड़ा वो स्टोरी तो थोड़ी अलग थी, लग रही थी कि हाँ भाई कुछ है वैसा, अलग सी स्टोरी आ रही है। बट डार्लिंग्स मूवी के नाम से लग रहा था कि कोई प्यार मोहब्बत वाली फिल्में होगी, बट ट्रेलर देखने के बाद ये मालूम चल रहा है कि ये प्यार मोहब्बत वाली डार्लिंग नहीं है, ये बदले वाली डार्लिंग्स है। जी हाँ, इसमें दिखाया गया है कि बेसिकली जो आलिया भट्ट के हस्बैंड हैं, हमजा का जो रोल निभा रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और इनको मारते पीटते हैं। सो ये पहले तो उनका मतलब लाइक नशा छुड़ाना चाहती हैं, फिर ये उनको किडनैप कर लेती हैं,
किडनैप करने के बाद लाइक ये रिपोर्ट लिखवाने जाती है कि मेरे हस्बैंड मिसिंग है. सो क्वाइट इंटरेस्टिंग है यहाँ पे थोड़ा ये जो प्लॉट था कि भाई मैंने ही किडनैप किया है और मैं ही रिपोर्ट लिखवाने भी जा रही हूँ. साथ में उनकी माँ रहती हैं जो कि शेफाली शाह हैं, उनकी माँ का रोल कर रही हैं आलिया भट्ट के. उसके अलावा अगर बात करें तो फिल्म में दिखाया गया है औरतों का अपमान. लाइक स्टार्टिंग से मुझे लग रहा था कि ये काइंड ऑफ कॉमेडी फिल्म है, बट एट द सेम टाइम हमने देखा कि ये कॉमेडी से थोड़ा हटके भी है. लाइक इसमें थोड़ी सीरियस चीज़ें भी दिखाई गई, लाइक औरतों का अपमान किया जा रहा है, लाइक पीट मारपीट हो रही है. सो इन्होंने लाइक बदला, काइंड ऑफ बदला लेने टाइप की फिल्म है ये. इन्होंने बेसिकली इनके साथ मारपीट की जाती है तो इन्होंने अपने हस्बैंड को किडनैप कर लिया और अब वो उनको उनके साथ मारपीट कर रही हैं और बदला ले रही हैं. तो कुल मिलाकर के ठीक ठाक है. बट बात करें अगर आलिया भट्ट की एक्टिंग की तो भाई ये सिर्फ ट्रेलर है और ट्रेलर में ही हमने देखा कि आलिया भट्ट की एक्टिंग काफ़ी कमाल की लग रही है, तो फिल्म में तो लाजवाब होने वाली है. अब फिल्म कैसी भी हो बट आलिया भट्ट की एक्टिंग का कोई जवाब नहीं है. हमने आलिया भट्ट की कई सारी फिल्में देखी है. अभी लेटेस्ट की बात करें तो गंगूबाई, आलिया भट्ट हमेशा एक अलग तरीके का रोल निभाने की कोशिश करती हैं और लाइक एक्टिंग उनकी कमाल की होती है भले ही फिल्म चले या ना चले. सो देखते हैं कि ये फिल्म कितनी चलती है. वैसे फिल्म थिएटर में तो नहीं आ रही है, ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो रही है 5 अगस्त को. तो लोगों को कितना पसंद आती है, कितना व्यूज़ बटोर पाती है ये फिल्म, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. बट आलिया भट्ट भाई एक बीच में वो डायलॉग देती है प्लीज प्लीज नहीं प्लीज और उनका जो एक बीच में लाइक ड्रेस रेड कलर का ड्रेस पहने हुए वो तो अलग ही अंदाज दिख रहा था, लाइक कमाल की दिख रही थी आलिया भट्ट. सो ये थी डार्लिंग्स फिल्म की रिएक्शन. आई होप आपको अच्छी लगी हो. लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, रिएक्शन अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, बिकॉज मैं आगे की वीडियो उसी के हिसाब से बनाने वाला हूँ. सो आपका कमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो कमेंट ज़रूर करें और बताएं. और अगली वीडियो, अगली रिएक्शन वीडियो आप किस फिल्म के या किस म्यूज़िक या किस वीडियोज़ के ऊपर रिएक्शन चाहते हैं मुझसे कमेंट करके ज़रूर बताएं. और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और देखो भाई सिंपल सी बात है, चैनल पे मैं 1 साल बाद आया हूँ तो ऑफकोर्स मेरा चैनल इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है. सो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, तो सपोर्ट कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए मुझे क्योंकि इसकी ज़रूरत है अभी. सो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहें जे जे एंटरटेन. नमस्ते.